हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू L2A क्लासेस। सो आज हमारी आपकी डेट है 1 अप्रैल। तो देखते हैं आज ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का सेशन। पहले हम यहां पर आप लोगों के डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को, देन वी विल सी कि आज कौन सा प्लेस न्यूज़ में आया है, और एट दी एंड हम आपके डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला आर्टिकल यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में किस चीज़ के रिगार्डिंग बात हुई है? WHO ने अभी आपका लॉन्च किया है कोविनेट, ऐसे ध्यान रखना। तो आप थोड़ा नाम से भी समझ रहे होंगे कोरोना से रिलेटेड कुछ है। अ ग्लोबल लेबोरेटरी टू मॉनिटर दी एमर्जिंग कोरोना वायरसेस। तो इन फ्यूचर में कभी भी ऐसे कोरोना वायरस के कोई केसेस ना आए, कोरोना वायरस का कोई पैंडेमिक ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी WHO ने आपका एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, बिल्ड किया है ऑन COVID-19 रेफरेंस लेबोरेटरी नेटवर्क, जो कि एस्टैब्लिश हुई थी ड्यूरिंग दी अर्ली डेज ऑफ पैंडेमिक टू कन्फर्म दी डिजीज। जब हमारी स्टार्टिंग का टाइम पीरियड था ना, जिस समय डिजीजेस आई थी, कोविड बहुत तेजी से फैला था, उस समय के टाइम पीरियड के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलो अब देखते हैं आगे इस आर्टिकल को डिटेल में। तो WHO ने आपका लॉन्च किया है, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम कि कोविनेट किसने आपका रिलीज किया है, कौन सी वो बॉडी है, तो क्या ध्यान में रखना है? WHO जो है इसने आपका लॉन्च किया है एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज, जिसका नाम आपका क्या है, कोविनेट। ये क्या करती है? ये आपका आइडेंटिफाई करती है एंड मॉनिटर करती है पोटेंशियल नोवल कोरोना वायरसेस को। जितने भी हमारे कोरोना वायरसेस हैं उनको ये आपका आइडेंटिफाई करती है, मॉनिटर करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलो अब और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जो हमारा कोविनेट है ये अकर है, नॉट ओनली फोकस करता है SARS-CoV-2 को, बट ऑल्सो एसेस करता है कोरोना वायरसेस को, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल MERS-CoV, इन्हांस करता है लेबोरेटरी की कैपेसिटी को। ठीक है, जो ये नेटवर्क है ये आपका इंक्लूड करता है एनिमल्स के हेल्थ को, इन्वायरमेंटल सर्विलेंस को, और एनेबल करता है कि टाइमली जो रिस्क असेसमेंट है, इंफॉर्मेशन जो भी WHO की पॉलिसीज हैं उसके लिए अगेंस्ट हम लोग टाइमली प्रोटेक्टिव मेजर्स को ले सकें। तो इन चीज़ों के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा फोकस हमारे करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। चलो अब देखते हैं आगे। कोविनेट का जो एम है, जो जिस टारगेट के लिए इसको बनाया गया है, उसका एम है कि इसे सपोर्ट करना है और एस्टेब्लिशमेंट करना है और ज़्यादा लेबोरेटरीज को, कहाँ पे, जो हमारी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, ताकि वो मॉनिटर कर सकें MERS-CoV को एंड जितनी भी हमारे उसके अनदर सिग्निफिकेंट कोरोना वायरस के इवेंट्स हैं। ठीक है, कोविनेट जो है ये आपका कंप्राइजेस करता है 36 लेबोरेटरी को फ्रॉम दी 21 कंट्रीज से, ये ध्यान में रखना है। अक्रॉस दी ऑल 6 सारी की सारी हमें WHO रीजन में आती हैं, इंक्लूड हैं इसमें 3 जो हैं वो आपकी इंडिया में भी हैं, ये ध्यान रखना कि टोटल कितनी इसमें आती हैं और कितनी हमारी इंडिया में है। ठीक है, चलिए कोरोना वायरस जो है ये आपका क्या है, RNA वायरस है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी RNA एंड DNA। क्या अंतर होता है दोनों में? देखो DNA इज दी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इस तरह से हमारा DNA जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, RNA हमारा कैसा होता है, RNA हमारा सिंगल हेलिकल होता है। DNA क्या करता है, DNA आपका एज एन जेनेटिक मटीरियल वर्क करता है, ध्यान रखना DNA वर्क करता है आपका एज एन जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, RNA कैसे हेल्प करता है हमारी बॉडी में, RNA हेल्प करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रोटीन के सिंथेसिस में हमारा RNA वर्क करता है। तो कोरोना वायरस के बारे में जो यहाँ पर बताया गया है ये कैसा वायरस है, RNA वायरस। नाउ क्लियर व्हाट इज RNA, एक सिग्निफिकेंट कंसर्न है इन द कंटेक्स्ट, जबकि कुछ जो कॉज करता है ये आपका माइल्ड इलनेस करता है, लाइक दी आपको क्या होता है जब आपको कोरोना वायरस फील होने लगता है, कोल्ड होने लगेगा, SARS-CoV जो है और MERS-CoV जो है जितने भी ये हैं ये आपके सेवरल आउटब्रेक करा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक। तो आप सबने देखा होगा जब पेंडेमिक का टाइम आया तो इन सब वायरसेस ने बहुत ज़्यादा अपना इम्पैक्ट दिखाया, बहुत ज़्यादा वाइडस्प्रेड लेवल पे फैले। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं सेकेंड आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द GS पेपर 3, यहाँ पे आपका साइंस एंड टेक के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्या बोल रहा है, देखो स्काई रूट सक्सेसफुली टेस्ट फायर स्टेज 2 ऑफ विक्रम फर्स्ट स्पेस लॉन्च व्हीकल। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज स्टेज 2, इसको समझते हैं अभी। स्टेज 2 जो है एक क्रिटिकल स्टेज है, किस चीज का, एसेंट टू द लॉन्च व्हीकल, जो कि प्रोपेल हो रहा है इन
it from the atmospheric phase of the deep vacuum of outer space. Now this is important. अब इसको समझते हैं पहले कि क्या है ये deep vacuum outer space जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर discuss कर रहे हैं. देखो सबसे पहले स्काई रूट एरोस्कोप जो है ये सक्सेसफुली आपका अभी कंडक्ट करा गया है, जिसकी जो टेस्ट फायरिंग थी वो स्टेज टू प्रपोर्शन से हुई थी. कहाँ से? जिसका नेम आपका दिया गया था कलाम 250, जो कि आपका विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल से आपका किया गया था. इस चीज को ध्यान में रखना है. अब देखो जो स्टेज टू है ना, ये आपका क्रूशियल है फॉर द प्रोपेलिंग द लॉन्च व्हीकल फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक फेस टू द आउटर फेस, एटमॉस्फेरिक फेस से आउटर फेस के लिए. कलाम 250 जो है ये आपका यूटिलाइज करता है हाई स्ट्रेंथ का कार्बन कंपोजिशन मटेरियल एंड आपका एक सॉलिड फ्यूल सिस्टम है जो कि इथाइलिन प्रोपेलिन डाइन को ट्रोपामाइन को जो है ट्रोपोमर्स को टेरोमेयर्स टेरोपॉलीमर्स जो है इसका आपका थर्मल पोटेंशियल सिस्टम है. ठीक है, ये आपका फीचर है अ कार्बन एबेरेटिव फ्लेक्स नोजल एंड हाई प्रीसियस इलेक्ट्रोमैकेनिकल एटुलेटर फॉर थ्रस्ट वेक्टर कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल. ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को. नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यहाँ पर किस चीज के बारे में बात कर रहा है इसको समझते हैं. देखो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कह रहा है प्रोटेक्ट मोयोर वैली द होम ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड जिप्स वल्चर. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है, क्यों करी गई है उसको समझते हैं. नन ऑफ द सदर्न स्टेट कैन बूस्ट ऑफ बींग सच अ गुड ब्रीदिंग ग्राउंड फॉर दीज बर्ड्स. ठीक है, चलो देखो रिसेंट में आपका एक ये पहले ध्यान रखना मोयार वैली कहाँ पर है, तमिलनाडु में. दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब देखो रिसेंट में आपका सर्वे करा गया जिसमें ये देखने को मिला कि यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिले हैं इन दी वल्चर्स नंबर, जो कि हाईलाइट कर रहा है मोयार वैली को एक इम्पॉर्टेंस उसका. यहाँ पर आपकी नेस्टिंग साइट्स हैं किस चीज़ के लिए हैं, जो हमारा एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है जिसका नाम है आपका जिप्स वल्चर, उसके लिए यहाँ पर हमारी नेस्टिंग साइट्स हैं. दिस इज द मोयार वैली. अब यहाँ पर कुछ फेमस चीज़ें हैं उनको देखते हैं. ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपका लोकेटेड है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के पास. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के पास आपको देखने को मिलेगा. ओनली रीजन है जहां पर लार्जेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी है जिप्स वल्चर की इन दी वाइल्ड में. ठीक है, जितना हमारा एंटायर स्ट्रेच है ना, ये एक इंपॉर्टेंट बायोम है इन दी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पास, एक इंपॉर्टेंट हमारा बायोम भी है, ये ध्यान रखना है. अब यहाँ पर एक बार इसको मैप में देख लेते हैं. दिस इज द मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व. यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वायांद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इधर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी नॉर्थ डिवीजन. ऊपर आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व. तो मुद्दुमलाई कहाँ पर है, लुक एट द लोकेशन. ठीक है, ध्यान से देखो लोकेशन कहाँ पर लोकेटेड है. क्लियर, चलो अब बात करते हैं अबाउट द जिप्स इंडस की, जो यहाँ पर स्पीसीज है जिसके बारे में बात हो रही है. ये आपके कैरेक्टराइज है बाय द वाइटेस्ट फीचर फीदर ऑफ द डार्क हेड एंड नेक और इसकी पेल इसके कॉलर्स. ये कर्नेलियन निस्टर्स हैं जो आपको ऑफन फाउंड देखने को मिलेंगे फ्लॉक्स में. हाउएवर देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग रैपिडली. इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रही है. ये प्राइमरली आपके इनहिबिट करते हैं ओपन ग्रासलैंड को इन स्टेट्स जैसे आपको झारखंड मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले रीजन में देखने को मिलेंगे. ठीक है, ये है हमारी पर्टिकुलर स्पीसीज जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. अब देखो वल्चर्स के बारे में कुछ आपको बताएं कि व्हाट इज वल्चर, वल्चर क्या होते हैं, इसके लिए थोड़ा सा देखते हैं एक बार हम वल्चर्स क्या होते हैं. ये आपकी वन ऑफ द 22 स्पीसीज है जो कि लार्ज कैरियन ईटिंग बर्ड्स होते हैं. ये कहाँ पर रहते हैं, ये प्रीडोमिनेंटली आपको ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन में देखने को मिलेंगे. ठीक है, ये आपके एक्ट करते हैं एन इंपॉर्टेंट फंक्शन के तौर पे एज नेचर्स गार्बेज कलेक्टर के रूप में एंड हेल्प करते हैं. अगर नेचर का गार्बेज ईट कर रहे हैं तो हेल्प करेंगे किस चीज में, एनवायरमेंट क्लीन करने में वेस्ट से. ठीक है, इंडिया जो है वो आपका होम है 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर का, जिसमें नेमली आपके ओरिएंटल वाइट ब्लैक आती है, लॉन्ग बाइल्ड आती है. स्पीसीज पे बहुत आजकल यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है तो ध्यान से देखना है. स्लेंडर बिल्ड आती है, हिमालयन आता है, रेड हेडेड आते हैं, इजिप्टियन बियर्डेड और कुछ यहाँ पे आपके यूरेशियन ग्रिफॉन है, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना. ठीक है, चलो ये जो है ना इसमें से कुछ स्पीसीज जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आती है, रेस्ट जो है वो आपके शेड्यूल 4 में आते हैं. तो जो यहाँ पे स्पीसीज लिखी गई है ना इनको ध्यान रखना है, बियर्डेड लॉन्ग बाइल्ड स्लेंडर बाइल्ड एंड ओरिएंटल वाइट ब्लैक जो है ये आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1 में आती है. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो अब एक बार इसको सारे इनके प्रोटेक्शन देख लेते हैं. देखो यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपको ध्यान में रखना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
क्रिटिकली इंडेंजर्ड से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, इंडेंजर्ड भी थोड़ा ध्यान में रखना, बट दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. तो इसमें कौन से आते हैं वो ध्यान रखना है, वाइट रम्प्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड, रेड हेडेड. तो ये चार का आपको नाम ध्यान में रखना है, दीज फोर आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है? इजिप्टियन वल्चर भी ध्यान रख लेना, दिस इज एंडेंजर्ड, बट रेस्ट की आपको इतना नीड नहीं है. आप रेस्ट को नहीं भी ध्यान रखेंगे स्टिल नो प्रॉब्लम, ठीक है? बट आप ऊपर के सारे उसको ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से हैं. चलो अब डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन. देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है. विथ रेफरेंस टू द फ्लाई एस प्रोड्यूस बाय द पावर प्लांट यूजिंग द कोल एज अ फ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इज करेक्ट. बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका करेक्ट होगा. ट्राई टू आंसर एटलीस्ट कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट होगा. आंसर दीजिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. फ्लाई एस कैन बी यूज एज द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. यस वन तो करेक्ट है, फ्लाई एस को हम लोग यूज करते हैं. आइदर वन इज आंसर और सी इज आंसर. अब देखते हैं दो करेक्ट है या नहीं. फ्लाई एस कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द सम ऑफ पॉटर एंड सीमेंट कंटेंट ऑफ कंक्रीट, ठीक है? यस हम लोग फ्लाई एस को यूज कर रहे हैं तो बी भी मेरा करेक्ट होगा. तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, वन एंड टू. मुझे सी को चेक करने की नीड ही नहीं है बिकॉज एक ही ऑप्शन है जिसमें वन और टू दोनों एक साथ जा रहे हैं, ठीक है? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अजंता, एलोरा, सांची स्तूपा एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का. अजंता केव लाई इन द जॉर्ज ऑफ वागोर रिवर, सांची स्तूपा लाई इन द जॉर्ज ऑफ चंबल रिवर, पांडुलेना केव श्राइन लाई इन द जॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर, अमरावती स्तूपा लाई इन द जॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर. बताइए, ये पढ़ा होगा आपने अजंता केव के बारे में, दिस इज द वेरी फेमस केव. तो यही इसका आंसर है आपका, ए इज द करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड एज अ मिनिस्टर इन द स्टेट फॉर सिक्स मंथ इवन ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव. अब बताओ आप अगर आप वोट देने के एलिजिबल हो तो क्या आप डायरेक्टली मेंबर बन जाओगे, नहीं ना. कॉमन सेंस तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, बोथ भी इनकरेक्ट हो जाएगा. अब देखते हैं नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंसेस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 ईयर इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड. नो, परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड कोई भी टर्म नहीं रहता है यहाँ पे. तो आंसर होगा इसका डी, नाइदर वन नॉर टू, ठीक है? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5-member body. बताओ इलेक्शन कमीशन इज द मल्टी मेंबर बॉडी जिसमें आपके 5 नहीं 9 members होते हैं. तो पहला हटा देंगे तो आइदर बी सी डी में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल. नो, इलेक्शन कमीशन का काम ही यही होता है. तो सेकेंड भी हटा दो, आंसर आ गया आपके पास डायरेक्टली, दैट इज डी. अगर आप एक वर्ड को हटा देते ना तो आप इसका आंसर डायरेक्टली कर लेते बिकॉज वही यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ऑप्शन आपका लेफ्ट होता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी आर्टिकल जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू.